नमस्कार दोस्तों रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है आज हम पढ़ेंगे सिंगल इमल्शन मतलब सिंगल कोटेड फिल्म और डबल इमल्शियल फिल्म मतलब डबल कोटेड फिल्म में क्या डिफरेंस होता है द मेजर डिफरेंस आई थिंक यू ऑल्सो नो दैट सिंगल इमेंशियल फिल्म हैव सिंगल लेयर ऑफ इमलशन सिमिलरली डबल इमेजल फिल्म हैव डबल लेयर ऑफ इमल्शन जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं सिंगल इमेजल फिल्म के अंदर बेस के एक तरफ इमर्शन की लेयर होती है जबकि डबल इमरशन फिल्म के अंदर बेस के दोनों तरफ इमर्शन की लेयर होती है सिंगल इमरशन फिल्म मे बी यूज विथ सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू डू मेमोग्राफी यू यूज फाइन ग्रेन सिंगल इमरशन फिल्म अलॉन्ग विथ सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट टेकिंग दिस कॉम्बिनेशन यू बेसिकली इनक्रीज द इमेज रेजोल्यूशन उसी प्रकार डबल इमेजल फिल्म का इस्तेमाल डबल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट के साथ होता है इसका प्रयोग हम बेसिकली जनरल रेडियोग्राफी में करते हैं लाइक डूइंग एक्सरे ऑफ एप्टोमन चेस्ट एक्सटोटिस सिंगल इमेजल फिल्म का इस्तेमाल करने से पेशेंट की रेडिएशन डोज बढ़ जाती है क्योंकि सिंगल इमर्जल फिल्म का इस्तेमाल सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट के साथ होता है जिसकी वजह से फिल्म पर रीजनेबल डेंसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक्सपोजर फैक्टर बढ़ाने पड़ते हैं जिसकी वजह से पेशेंट का जो एक्सपोज़र डोज है वो बढ़ जाता है इसके विपरीत डबल इमेंशन फिल्म का इस्तेमाल करने से पेशेंट का रेडिएशन डोज कम होता है इसके पीछे कारण यह होता है कि डबल इमेंशन फिल्म में का इस्तेमाल हम डबल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ करते हैं और दोनों स्क्रीन से इमिट होने वाली लाइट को हम यूटिलाइज करते हैं जिसकी वजह से हम कम एक्सपोज़र पर भी एडुकेट अमाउंट ऑफ डेंसिटी को प्रोड्यूस कर पाते हैं जिससे पेशेंट का रेडिएशन डोज कम हो जाता है फिफ्थ डिफरेंस इज एवरेज ग्रेडियंट विच रिप्रेजेंट कंट्रास्ट ऑन द फिल्म सिंगल इमेंशन के लिए इसकी वैल्यू कम होती है जबकि डबल इमेंशन फिल्म के लिए एवरेज ग्रेडियंट की वैल्यू ज़्यादा होती है यही कारण है कि सिंगल इमेंशन फिल्म के अंदर हमें कम कंट्रास्ट देखने को मिलता है बिकॉज लेस द वैल्यू ऑफ एवरेज ग्रेडियंट मीन्स लेस कंट्रास्ट ऑन द फिल्म सिमिलरली डबल इमेंशन फिल्म के अंदर एवरेज ग्रेडेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है इसीलिए डबल इमेंशन फिल्म के अंदर हमें कंट्रास्ट ज्यादा देखने को मिलता है सिंगल इमेंशन फिल्म के अंदर हमें नॉन कर्लिंग लेयर देखने को मिलती है इसके पीछे सिंपल रीज़न ये होता है कि सिंगल इमेंशन फिल्म के अंदर बेस के केवल एक ही तरफ इमेंशन की लेयर होती है और अगर आप इस तरह की फिल्म को प्रोसेस करेंगे तो ये कर्ल कर जाती है मतलब मुड़ जाती है एक तरफ से इसको ओवरकम करने के लिए बेसिकली क्या क्या इन लोगों ने दे एड सेम थिकनेस ऑफ लेयर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बेस जिसको हम बोलते हैं एंटी कर्लिंग लेयर इसकी वजह से क्या हुआ इसकी जो कर्लिंग टेंडेंसी है वो ख़त्म हो गई डबल इमेंशन फिल्म में इस तरह की लेयर देखने को नहीं मिलती बोले तो एबसेंट होती है क्योंकि इसमें बेस के दोनों तरफ इमेंशन की लेयर होती है मतलब ऊपर भी इमेंशन की एक लेयर होती है और नीचे भी एक लेयर होती है जिससे बैलेंस बन जाता है और इस तरह की फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान कर्ल नहीं करती है इसीलिए यहाँ पर ये लेयर एक्सेट होती है सिंगल इमेजर फिल्म में पैलेक्स इफेक्ट और क्रॉसओवर इफेक्ट दोनों देखने को नहीं मिलते हैं जबकि डबल इमेचर फिल्म के अंदर आपको पैलेक्स इफेक्ट और क्रॉसओवर इफेक्ट दोनों देखने को मिलेंगे यही कारण होता है कि डबल इमेचर फिल्म के अंदर हमें रेडियोग्राफिक डिटेल कम देखने को मिलती है pallas effect is a phenomena that causes a decrease in radiographic definition pallas effect refers to the slight difference in the image on the both sides of the film this difference occurs as a result of x-ray beam passing at an angle through the image receptor see image on both sides of the film emulsion will be same when the x-ray beam is perpendicular to the film so the degree of pallas effect depend upon the thickness of the film and screen combination and angulation of x-ray beam for this reason pallis effect is most pronounced at the margins of the film where the divergent x-ray beam comes at an angle and when x-ray beam is angled for specific projection so to minimize this effect place the area of clinical interest in the center of the film and minimize the tube angulation as much as possible अगर बात करें क्रॉस ओवर इफेक्ट की इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया है इसको जरूर देखेगा बस यही था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद